हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने 3.1 तक के सभी प्रश्नों के हल कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल के बेस पर आधारित है, यानी कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसमें रूल्स हैं वो हम देखते हैं कि क्या लीनियर इक्वेशन जो होते हैं यानी कि रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके तीन कंडीशन क्या क्या होते हैं। तो जैसे माना कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 जो है रैखिक समीकरण युग्म है। तो यदि अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, यदि a1/a2 यानी कि a1 को a2 से भाग दिया जाए और वह b1/b2 के बराबर न हो, यानी a1 को a2 से भाग दो और b1 को b2 से भाग दो और ये आपस में बराबर न हो, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इसमें होता है कि दोनों रेखाएं यानी कि इस युग्म के दो ग्राफ जब रेखा बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, कोई एक पॉइंट होगा जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे और क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी इसलिए दूसरा काम ये इसका कि इसके केवल एक यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यानी कि जब इस प्रकार कंडीशन आता है तो इसमें जब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके केवल एक हल प्राप्त होंगे जो कि अद्वितीय होंगे और इस प्रकार के जिसके हमें हल प्राप्त हो जाते हैं तो ये जो है ये रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जिसके हल प्राप्त हो चाहे एक हो या अनेक हल हो तो संगत कहलाती हैं। तो ये तीन बातें फर्स्ट कंडीशन के लिए ध्यान रखना कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या क्या बनेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इसके केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और ये रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि इसके हल जो है रैखिक समीकरण युग्म होंगे। तो हम अब इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 2x + y - 5 = 0 ले लिए और x - y - 1 = 0 ले लिए, ये दो रैखिक समीकरण युग्म ले लिए। तो ये x का जो गुणांक होता है a1 हो गया, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, उस तरीके से a2 b2 और c2 यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और b1 बराबर 1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और c1 बराबर -5। उसी प्रकार से यहाँ से a2 बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, b2 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है लेकिन ये माइनस का ध्यान रखना, यहाँ -1 हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा -1। तो हमारे पास कंडीशन है a1/a2 करना है, तो
तो ए वन अपन में ए टू करेंगे, ए वन अपन में ए टू बराबर दो अपन में क्या है वन, और जब बी वन अपन में बी टू करेंगे तो वन अपन में माइनस वन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए वन अपन में ए टू इज नॉट इक्वल देन बी वन अपन में बी टू, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल इसका कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि जब इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, यानी इसके एक अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और ये जो है हल प्राप्त होते हैं इसलिए संगत कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। उसी प्रकार से इसका हम दूसरा जो है कंडीशन वो पढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा जो कंडीशन है कि ए वन अपॉन में ए टू बराबर बी वन अपॉन में बी टू बराबर सी वन अपॉन में सी टू, यानी कि तीनों बराबर प्राप्त हो जाए। तो पहली बात, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, समपाती होंगी, यानी कि अगर एक जो है एक समीकरण का जो है ग्राफ एक लाइन एक पर जा रहा है तो उसी का जो है दूसरी की भी लाइन उसी पर जाएगा, यानी कि दोनों साथ साथ ही होंगे, यानी कि इसके अनेकों हल होंगे, हर हर एक पॉइंट पर इन दोनों के मान जो है मिलते जुलते होंगे। तो बी इसका कंडीशन होएगा, इसके अनेकों हल प्राप्त होंगे, यानी कि इसके अनेकों हल हैं। और इसका सी कंडीशन है, क्योंकि इसके भी हल प्राप्त हो रहे हैं तो ये रैखिक युग्म संगत होते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया एक्स प्लस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, और ले लिया टू एक्स, और ले लिया टू एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए वन कितना है, ए वन एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, और ए टू कितना है दो है। और जब हम बी वन अपॉन में बी टू करते हैं तो बी वन यानी वाई का गुणांक कुछ नहीं है तो वन है, और बी टू में टू है ना वाई का गुणांक। और इसी प्रकार से जब हम सी वन निकालेंगे तो सी वन का मान कितना है माइनस तीन, और इसका माइनस सिक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये तीन का टेबल से वन और टू। तो आप देख रहे हो कि ए वन अपन में ए टू, बी वन अपन में बी टू और सी वन अपन में सी टू तीनों क्या है इक्वल है, और जब इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है, ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू बराबर सी वन अपन में सी टू है। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो इसके दोनों जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर स्थित होंगी और इसके अनेकों हल प्राप्त होंगे, और ये क्या होंगे, रैखिक युग्म संगत होते हैं। और इसका लास्ट जो कंडीशन है, तीसरा तीसरा कंडीशन है कि ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू बराबर इज नॉट इक्वल देन सी वन अपन में सी टू, यानी कि ए वन अपन में ए टू, बी वन अपन में बी टू तो आपस में बराबर होंगे लेकिन सी वन अपन में सी टू इनके बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि दोनों रेखाएं, यानी जो हम ग्राफ पे बनाएंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, है ना, समांतर होंगी, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका कोई हल ही प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं है। और तीसरा कंडीशन, जब इसका कोई हल ही नहीं है तो ये रैखिक युग्म असंगत होंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें, अब इसके भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, और ले लिया
टू एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन बराबर जीरो। तो इसमें जब आप ए वन अपॉन में ए टू करोगे तो ए वन एक्स का गुणांक यानी वन और यहाँ पर टू हो गया। उस तरीके से बी वन अपॉन में बी टू बराबर ये वाई वन और यहाँ पर टू वाई है यानी टू। और जब c1 अपॉन में c2 करोगे तो ये हो गया माइनस का 5 और माइनस का 7। तो आप देख रहे हो कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है लेकिन ये बराबर नहीं है, है ना। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल देन c1 अपॉन में c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है। यानी जब इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जरूरी नहीं है, इस प्रकार से भी हो सकते हैं लेकिन दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और क्योंकि समांतर हैं इसलिए इनके कोई हल नहीं होंगे, और जब कोई हल नहीं प्राप्त होंगे तो ये रैखिक युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। तो आई होप कि इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म के लिए जो कंडीशन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। पॉज करके एक अच्छे से फेयर की कॉपी पर आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो और नोट कर लिया करो ताकि आगे चल के रिविज़न करने में इजी हो। मैं आपके पूरे सिलेबस जो है करवाऊंगा। तो इसमें आप ये तीनों कंडीशन अगर सीख गए, समझ गए, और पीछे जो मैंने ग्राफ करवाया था 3.1 में समझ गए, तो 3.2 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी कि एक हमारे पास कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के अनुसार रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं ये सीख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 3.3 4 5 6 7 सब में रैखिक समीकरण युग्म बनाने ही है, ठीक है, सब में हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के मतलब कक्षा 10th क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स मिलकर एक गणित के क्विज कंपटीशन में भाग लेते हैं। उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको हम ज़्यादातर जो है मानते हैं, ठीक है। और हमारे पास हरेक इस प्रकार के क्वेश्चन में दो जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया होता है जिसको आपको ढूंढ के और उसी को पॉइंट आउट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो प्रश्न से, तो प्रश्न में कंडीशन क्या है, टोटल जो है 10 विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या अगर दोनों को प्लस कर दें तो ये हो गया 10। अब इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण 1। इतना क्लियर, 10 विद्यार्थी है तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर हमने x प्लस वाई बराबर 10 कर लिया। और जब हम पुनः प्रश्न में क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है x और लड़कों की संख्या कितनी है y, और इनसे 4 और जोड़ेंगे ना, मतलब लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ेंगे तब लड़कियों की प्राप्त होती है, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स वाई इधर आकर क्या हो गया, माइनस वाई, ठीक है, बराबर 4। तो इस प्रकार से हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। तो ये दो रैखिक युग्म तो प्राप्त हो गए। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। आगे चल के आप इसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणनखंड विधि, ठीक है, इस प्रकार के विधियों से सॉल्व करोगे। इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो उसको ग्राफीय विधि से करने हैं। तो ग्राफीय विधि जैसे 3.1 में किए थे वैसे ही हम क्या करेंगे कि एक एक का टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10, तो अगर हम y निकाले तो क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है, x प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं,
तीन वैल्यू को लेकर हम बनाएंगे यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब दोस्तों यहाँ पर x का मान अगर मैं x का मान हमने ले लिया 2, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 यानी कि y बराबर 8 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर 10 में से 2 गया 8, उस तरीके से हम ले लेते हैं 3। तो जब 3 लेंगे तो 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7। 4 ले लेते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण एक के लिए सारणी हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर आकर x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका भी सारणी बनाएंगे। एक्स वाई, तो x की जगह पे अगर मान लो कि हम लेते हैं 6 ले लेते हैं तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2। x की जगह पे हम 7 ले लेते हैं तो 7 में से 4 जाएगा 3। x की जगह पे 5 लेते हैं तो 5 में से 4 माइनस होगा तो 1, ठीक है। तो इस प्रकार से x की जगह पे 6 लेंगे तो 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 बचेगा। ये x के जब 7 लेंगे तो 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, और x के जब 5 लेंगे तो 5 में 4 माइनस होगा तो 1 होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये दो हमारे पास टेबल प्राप्त हो गए। अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है इसलिए आप इसको कम भी ले सकते हो, मतलब कुछ इस प्रकार से ले सकते हो, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर जो भी बनाना क्लीन बनाना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8, जो सेंटर पॉइंट होता है उससे राइट पॉजिटिव नंबर और ऊपर भी पॉजिटिव नंबर, तो 2 4 6 8। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, उस प्रकार से नीचे भी हम ले लेंगे माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 6। अब एक एक जो है यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है उसको हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो x का मान 2 है तो y में 8 है, तो x का मान यानी x में 2 यहाँ पर है और y में 8 है यानी कि यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। x में 3 y में 7, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, है ना, और 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में। तो इसके बराबर और इसके बराबर स्केल से आप बना लोगे, ड्रॉ कर लोगे, तो यहाँ पर होगा। और x में 4 y में 6, तो x में 4 है और y में 6 है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। इसको फिर आप स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और इसका समीकरण का जो नाम है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 दे देना, और इस पॉइंट की वैल्यू भी लिख लेना, यानी कि यहाँ पर है 2 और 8, यहाँ पर है 2 और 8, यहाँ पर जो है 3 और 7, और यहाँ पर है 4 और 6, ठीक है। सेकंड वाले के लिए x में 6 y में 2 है, तो x में 6 और y में 2 यानी कि यहाँ पर, फिर x में 7 और y में 3 यानी कि यहाँ पर, फिर x में 5 और y में 1 यानी कि 4 और 6 के बीच में 5 और 1 यानी यहाँ पर। इस प्रकार से इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इनके भी जो वैल्यू है लिख लेंगे, यहाँ पर जो है 5 और 1 और यहाँ पर 6 और 2 और यहाँ पर 7 और 3। तो आप देख रहे होगे कि ये जो 7 और 3 है यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही हमारा x जो है x का मान और y का मान प्राप्त होता है। इस समीकरण का भी जो नाम है लिख लेंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर 7 और 3 पॉइंट आ गया, 7 और 3, ठीक है, यानी x का मान 7 हो गया और y का मान 3 हो गया।
यानी कि जो लड़की लड़कियों की संख्या है वो 7 है और लड़कों की संख्या जो है कितने हैं, 3 है। तो ये आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पर कि लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं और उसको फिर ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। ग्राफ बिल्कुल क्लीन बनाना, ठीक है, अगर आता है एग्जाम में तो। और जितने भी पॉइंट होते हैं उनके पॉइंट वैल्यू भी लिख लेना और इक्वेशन, जो भी इक्वेशन की लाइन है उस पर इक्वेशन भी प्रदर्शित कर देना। ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही आपके एक्स और वाई के मान होंगे, यानी कि जो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड। दोस्तों फर्स्ट में सेकंड आपका क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपया है टोटल, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हो तो कुल मूल्य जो है 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल और 1 कलम का जो है मूल्य आपको ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार से मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स एक्स रुपया और एक कलम का मूल्य वाई रुपया है ना। तो हम प्रश्न से जाएंगे कि प्रश्न में क्या शर्तें हैं। 5 पेंसिल 1 पेंसिल का 1 रुपया है, तो 5 पेंसिल का 5x और 7 कलम यानी प्लस करना है क्योंकि कुल मूल्य है, तो 7 कलम, 1 कलम का y, तो 7 कलम का 7y और टोटल कितना हो गया 50। और एक और शर्त जो है 7 पेंसिल यानी 7 गुणा x और प्लस 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना हो गया 46। तो ये जो हो गए दो इक्वेशन आपका रैखिक समीकरण युग्म हो गया। लेकिन आपको इसको जो है हमको ग्राफ के मेथड से मान निकालना है 1 कलम और 1 पेंसिल का। तो सबसे पहले समीकरण एक के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, समीकरण एक से समीकरण एक का सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर 5x+7y=50 है, तो 7y=50 -5 का x और y=50 -5 का x अपॉन में 7, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। इतना क्लियर, प्लस में है तो इधर माइनस में, ये गुणा में है तो इधर भाग में। अब यहाँ पर एक टेबल लेंगे, एक्स वाई। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि 7 से आसानी से कट जाए, है ना, क्योंकि अगर हम कुछ और लेंगे तो डेसिमल में आ सकता है, भिन्न में आ सकता है, जिसको हमें दर्शाने में थोड़ी जो है ग्राफ पर मुश्किल हो जाएंगी। तो एक ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि वो 7 से कट जाए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 लेते हैं तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो 50 -5 गुना 3, तो ये हो गया 50 और 50 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 7 से आसानी से कट जाएगा 5 बार में। यानी जब x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गया 5। ठीक है, उस तरीके से हम 10 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू जब 10 लेंगे तो 50 और 5 गुना 10 50 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। जब x की वैल्यू 10 लेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार x का मान हम 4 ले लेते हैं, माइनस का 4 ले लेते हैं, तो माइनस का 4 अगर लेते हैं तो 50 -5 -4, तो 5 के 20 प्लस का हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 70, है ना। तो 70 को 7 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये जो है सारणी एक तैयार हो गया है। अब समीकरण दो के लिए, समीकरण दो से 7x+5y 7x+5y = 46, है ना। तो यहाँ पर भी 5y बराबर
46 और 7x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो यहाँ पर फिर ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि 5 से कट जाए। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 7 गुना 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर x का मान 3 लेते हैं तो 46 माइनस 21 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 5 यानी कट के 5, तो 3 लेने पर 5 आ गया, ठीक है। उस तरीके से हम x का मान 8 ले लेते हैं तो 46 और 8 सत्य हो जाएगा 56, 46 में 56 आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा यानी माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 46 और 7 गुना 2 14 हो जाएगा और अपन में 5, तो ये हो गया 60 अपन में 5, है ना, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मैं इसको यहाँ पर इसको रफ करता हूँ, ठीक है। हमें तो दो इस टेबल से मतलब है और इस दो समीकरण को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया 0। अब यहाँ पर जो है वैल्यू जो है 12, 10 इस प्रकार से है, 2, 2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर नेगेटिव नंबर -2, -4, -6, -8, -10। यहाँ पॉजिटिव नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप जब स्केल से लोगे तो ये बिल्कुल जो बोल्ड लाइन है उस पे ही लाइन पॉइंट आउट करना, नहीं तो फिर सही नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। आपको कभी मैं ग्राफ पेपर पर बनाकर, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में दिखा भी दूंगा। तो पहले समीकरण के लिए हम लाइन लेते हैं x बराबर 3 तो y बराबर 5, तो x में 3 यानी 2 और 4 के बीच में 3 होगा और y में 5 यानी 4 और 6 के बीच में 5 होगा। तो हम यहाँ पर, ठीक है, 3 और 5, उसके बाद 10 और 0, तो 10 और 0 यानी यहीं पर -4 और 10, तो x में -4 यहाँ पर है, y में 10 यहाँ पर, यानी 4 और 10 के सामने यहाँ पर। तो इस प्रकार से फिर इसको स्केल से जो है मिला देना, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो गया 10, 0, यहाँ पर 3 और 5 और यहाँ पर -4 और 10, ठीक है। उस प्रकार से दूसरे समीकरण के जो टेबल है उससे हम देखेंगे x बराबर 3 y बराबर 5 यानी कि यहीं पर, ठीक है, x में 8 y में -2, x में 8 और y में -2 यानी कि यहाँ पर, x में 8 और y में -2 यानी कि यहाँ पर, ठीक है, x में -2 और y में 12, x में -2 यानी कि यहाँ पर और y में 12 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी आप स्केल से मिला लेना, ठीक है, और इनके वैल्यू लिख लेना। ये हो गया -2, ये हो गया 8 और -2, 3 और 5 ये हो ही गया, और ये हो गया 2, -2 और 12। अब इस ये जो है इसका है यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46। और अब देखो यहाँ पर दोनों लाइनें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर निर्देशांक x और y जो है 3 और 5 ये इसके आंसर हो गए, यानी कि हमने क्या किया था कि पेंसिल का माना था
मूल्य एक्स रुपया और पेन का माना था वाई रुपया, यानी कि पेंसिल का मूल्य हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक्स वाई जो है वो 3.5 है, यानी कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है ना 3 और एक पेन यानी कलम का एक कलम का मूल्य बराबर 5। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से हम सोल्व करते हैं। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपको स्टार्टिंग में जो मैंने 3 कंडीशन बताए थे अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। तो हम 1 by 1 इसको सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। आपको आसानी लगे इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 कर दिया, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 वाला ले लिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही तो 2 होते हैं रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। तो अब कंपेयर करो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि a1 के सामने क्या है 5, ठीक है, और b1 के सामने क्या है, देखो b1 के सामने ये माइनस का 4 है क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस है, तो b1 के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का 4। और c1 के सामने क्या है, c1 के सामने 8 है, क्लियर। इसमें आप कंपेयर करोगे तो a2 के सामने क्या है 7, मतलब a2 के स्थान पर 7 है, b2 के स्थान पर क्या यहाँ दिख रहा है 6, और c2 के स्थान पर क्या दिख रहा है माइनस का 9। ये प्लस माइनस साथ में लेके चलना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब जब हम a1 अपॉन में a2 करते हैं, a1 अपॉन में a2 बराबर हो गया 5 अपॉन में 7, और जब b1 अपॉन में b2 करते हैं तो ये हो गया माइनस 4 अपॉन में 6। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 यानी माइनस 2 अपॉन में 3 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल देन b1 अपॉन में b2। तो याद करो ये पहला कंडीशन है कि जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होते तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो अतः इन समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। बस इतना आपको करना है कि आप a1 b1 c1 को इसमें से चूज करो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज करो, देखो इक्वल है या नहीं है, और जो 3 शर्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि प्रतिच्छेदी होंगी। अगर ये दोनों बराबर होते और C1 C2 भी बराबर हो जाते तो वो कौन सा कंडीशन होता, संपाती वाला, लेकिन अगर ये बराबर होते और C1 C2 बराबर नहीं होते तो कंडीशन हो जाता समांतर वाला। तो अब करते हैं इसका सेकेंड और थर्ड। दोस्तों सेकेंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर भी हमने कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उस प्रकार से दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हमने यहाँ पर लिख लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करो, a1 के स्थान पे क्या है 9, a1 बराबर 9, b1 के स्थान पर क्या है 3, और c1 के स्थान पर 12, a2 के स्थान पर क्या है 18, b2 के स्थान पर 6 और c2 के स्थान पर 24। तो अब यहाँ पर
ए वन अपन में ए टू करेंगे यानी 9 अपन में 18। तो यहाँ पर 9 का टेबल एक बार में और 9 दुना 18 तो यहाँ पे 1 अपन में 2 हो गया। उसी प्रकार से बी वन अपन में बी टू करेंगे तो बी वन अपन में बी टू यानी 3 अपन में 6 तो 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6 तो यहाँ भी 1 अपन में 2 आ गया। और उसी प्रकार से हम सी वन अपन में सी टू करेंगे 12 अपन में 24 है तो 12 × 12 और 12 × 2 = 24। आप देखोगे कि ए वन अपन में ए टू का जो माना है वही बी वन अपन में बी टू का आया है और वही मान सी वन अपन में सी टू का माना है। तो जब ये कंडीशन आते हैं कि ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू बराबर सी वन अपन में सी टू तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती। ठीक है, तो ये संपाती है, राइट। थर्ड है इसका 6x-3y + 10 = 0। अब यहाँ पर हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो रखते हैं, है ना। दूसरा समीकरण है 2x-y + 9 = 0। तो यहाँ पर हो गया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखोगे, कंपेयर करोगे तो ए वन, ए वन के स्थान पे क्या है 6, बी वन के स्थान पर माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि बी वन यहाँ पे माइनस 3 है, और सी वन के स्थान पे क्या है 10। यहाँ पर ए टू, ए टू के स्थान पे क्या है 2, बी टू के स्थान पे क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो वाई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है लेकिन माइनस में है इसलिए -1, और सी टू के स्थान पे क्या है 9। तो जब ए वन अपन में ए टू करोगे तो 6 अपन में 2, ठीक है, ये कट गया 3 टाइम में यानी 3 आ गया। और बी वन अपन में बी टू करोगे तो -3 अपन में -1 यानी ये भी क्या आ गया 3। उसके बाद सी वन अपन में सी टू करेंगे तो ये हो गया 10 / 9, ये नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन पा रहे हैं कि चूँकि ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू लेकिन सी वन अपन में सी टू बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, समांतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, फर्स्ट हमारा क्या था, प्रतिच्छेदी था, दूसरा संपाती और तीसरा समांतर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है संगत और असंगत पर आधारित है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि यदि किसी के चाहे एक हल हो या अनेकों हल हो वो संगत होता है और जिसके हल प्राप्त नहीं होंगे वो असंगत होगा, ठीक है। तो वन बाई वन हम चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा 3x + 2y = 5। यहाँ पर फिर आपके लिए इजी करने के लिए मैं लिख देता हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, यहाँ पर सी वन, इसको इधर लाओगे तो बात वही पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है 2x-3y = 7, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। अब कंपेयर करोगे तो ए वन के स्थान पे क्या है 3, बी वन के स्थान पर क्या है 2 और सी वन के स्थान पे क्या है 5, क्लियर। ए टू के स्थान पे क्या है 2, बी टू के स्थान पे क्या है माइनस का 3, है ना, माइनस में है, और सी टू के स्थान पे क्या है 7। तो अब जब हम ए वन अपन में ए टू करते हैं तो ये आ गया 3 / 2, और बी वन अपन में बी टू करते हैं तो ये आ गया 2 / -3। तो देखो ये 3/2 हो गया और 2/-3 हो गया। जब यहीं पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें सी वन सी टू की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए वन अपन में ए टू इज़ नॉट इक्वल देन बी वन अपन में बी टू, तो इसलिए क्या होंगे, ये संगत होंगे, संगत हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, आपको बताया कि इस कंडीशन में एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और जब हल प्राप्त होता है तो ये संगत है, है ना। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं दोस्तों। दूसरा है 2x-3y
बराबर 8, तो यहाँ पर भी ए वन एक्स यहाँ पर प्लस बी वन वाई बराबर सी वन कर लिए, है ना। और यहाँ पर है 4x माइनस 6y बराबर 9, तो यहाँ पर कर दिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। तो जब कंपेयर करोगे यहाँ पर तो ए वन बराबर हो गया 2, बी वन बराबर माइनस का 3, सी वन बराबर 8। यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए टू बराबर 4, बी टू बराबर माइनस का 6 और सी टू बराबर 9। तो अब हम ए वन अपन में ए टू निकालेंगे तो 2 अपन में 4 हो गया, कट के ये जो है 1 अपन में 2 प्राप्त हो गया। जब बी वन अपन में बी टू निकालेंगे तो माइनस 3 अपन में माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म और ये 1 अपन में 2 प्राप्त हो गया। उस तरीके से सी वन अपन में सी टू करेंगे तो ये 8 अपन में 9 जो कि नहीं कटेंगे, तो क्योंकि ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू और इज नॉट इक्वल देन सी वन अपन में सी टू, इसलिए क्या हो गया ये असंगत, क्योंकि इसके कोई हल नहीं प्राप्त होते और जो हल नहीं प्राप्त होंगे वो असंगत होते हैं, ठीक है। थर्ड है 3 अपन में 2x प्लस 5 अपन में 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए वन बराबर क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2, बी वन बराबर 5 अपॉन में 3 और सी वन बराबर 7, राइट। या उसी प्रकार से ए टू बराबर यहाँ पर 9, बी टू बराबर माइनस का 10 और सी टू बराबर 14, ठीक है। ए वन अपॉन में ए टू बराबर 3 अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाय 9, है ना, यानी कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 ओपन में 2, 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 हो जाता है, यानी 1 ओपन में 2 3 जा 6 हो गया। उस तरीके से बी वन ओपन में बी टू बराबर 5 ओपन में 3 डिवाइडेड बाई माइनस का 10 और कुछ नहीं है तो 1, तो 5 ओपन में 3 मल्टीप्लाई 1 और 10 जो है नीचे आ गया, तो 5 टू जा 10, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस का 1 ओपन में 3 टू जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस में है इसलिए ये माइनस में आ गया। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, वैल्यू भले इक्वल है लेकिन साइन अलग अलग है ना, 2 और माइनस 2 इक्वल नहीं हो सकते ना, ठीक है। उसी तरीके से 1 ओपन में 6 माइनस 1 ओपन में 6 इक्वल नहीं है, तो यहीं पर हम लिखेंगे क्योंकि ए वन अपन में ए टू इज नॉट इक्वल देन बी वन अपन में बी टू, तो ये एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है ना, एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा संगत, क्योंकि जिसके हल प्राप्त होते हैं वो संगत होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फोर्थ करते हैं, फोर्थ है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट देखो ए वन बराबर 5, बी वन बराबर माइनस का 3 और सी वन बराबर 11, ए टू बराबर माइनस 10, बी टू बराबर 6 और सी टू बराबर माइनस का 22। अब ए वन अपॉन में ए टू निकालते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 10 कट गया, एक और ये दो बार में, यानी माइनस वन ओपन में 2 आ गया। जब बी वन ओपन में बी टू निकालेंगे तो माइनस 3 ओपन में 6, तो ये भी माइनस वन ओपन में 2 आ गया। और जब सी वन ओपन में सी टू निकालते हैं तो ये 11 ओपन में माइनस 22, तो ये भी आ गया आपका माइनस वन ओपन में 2, यानी तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो क्योंकि ए वन अपन में ए टू बराबर बी वन अपन में बी टू बराबर सी वन अपन में सी टू, तो ये कौन सा कंडीशन प्राप्त होता है जिसके अनेकों हल हों, तो जब अनेकों हल हैं ही तो ये क्या हो जाएगा संगत, ठीक है। फिफ्थ है 4 अपन में 3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x
प्लस 3y बराबर 12। तो a1 बराबर हो गया 4 अपॉन में 3, b1 बराबर और c1 बराबर 8। उसी प्रकार से a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 12। तो a1 अपॉन में a2 जब निकालेंगे तो 4 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो 2 2 जा 4, यानी 2 अपॉन में 3 आ गया। उसी प्रकार से जब हम b1 अपॉन में b2 निकाल रहे हैं तो 2 अपॉन में 3 है, और जब c1 अपॉन में c2 निकाल रहे हैं तो 8 अपॉन में 12 है, तो 4 के टेबल से ये 2 बार में और 4 के टेबल से 3 बार में, यानी क्या आ गया 2 अपॉन में 3। तो ये भी 2 अपॉन में 3 आया, ये भी आया और ये भी आया, तीनों 2 अपॉन में 3 आ गए। तो क्योंकि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य को हल होंगे इसके, संगत है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम करेंगे इसके बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।